मकर संक्रांति का पावन पर्व जोर शोर से मनाया गया। भक्तों ने मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ भगवान से देश हित में मंगल कामना की। आज के दिन तिल का विशेष महत्व माना गया है। इसी दिन सामान्य तौर पर मकर संक्रांति शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं, परंतु इस वर्ष शुभ कार्यों के लिए अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। मकर संक्रांति स्नान का विशेष महत्व होता है। वहीं मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी का भी आयोजन रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में किया गया, जहां प्रतिस्पर्धाओं के तहत रंग बिरंगी पतंगों से सजा नजर आया, अपने आप को अनूठा प्रतीत हो रहा था। इस अवसर पर रीवा जिले के अनेकों धार्मिक स्थलों पर मेले का विशेष महत्व रहा, मगर कोविड महामारी को देखते हुए इसे स्थगित किया गया। मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। 4 बजे का है ना, अभी हमारे यहाँ पतंग का कार्यक्रम है, हिंदू से संबंधित कार्यक्रम अभी हम यहीं पर हैं। संक्रांति के उपलक्ष्य में आप ये पतंगबाजी करवा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना है कि हर भांति की इस वर्ष भी ये हम लोगों का 21वां वर्ष है। लगातार नियंत्रण हिंदू उत्सव समिति द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही। पिछले साल से एक उपलब्धि मिली हम लोगों को, इसमें महिलाएं भी मतलब शामिल हुई, बच्चियों भी, पहले बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी, सब लोग उड़ाते थे, पर बढ़ चढ़ के नई चीज़ की परंपरा ही, इसको पतंग मेले का नाम रखा गया हम लोगों ने कि भाई इसको तर्ज में, जैसे बाहर अपना भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया और बड़े बड़े सिटी हो गई, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भी लोग बाग और आके शहर के इस प्रतियोगिता में शामिल करें। ये प्रतियोगिता निःशुल्क है बिल्कुल, इसमें कोई चार्ज आज हम लोग नहीं लेते हैं, और हम चाहते हैं कि पूरा पतंग में ही आज मकर संक्रांति का पूरा जो ग्राउंड है हमारा TRS कॉलेज का, वो भव्य बना रहे और भव्यता के साथ हजारों लोगों की संख्या में आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जब अंकल ने शुरुआत की थी, हमारे संस्थापक महोदय जी ने, उस समय 10 बच्चे आते थे, आज कम से कम 100 से 125 बच्चों की अपने पास सूची बन चुकी है कि उसमें मतलब अभी तक एंट्री आ चुकी है, और पुरस्कार वितरण भी होगा शाम को, जो इसमें ढील और खींच प्रतियोगिता दोनों में रखी है, छोटे बच्चों का भी है और बड़ों का भी है, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे सब लोग और सबको पुरस्कृत किया जाता है हिंदू उत्सव समिति के नाम से। राजीव निरंकारी जी के साथ में वरिष्ठ पत्रकार मुगुन प्रकाश ने। आप मकर संक्रांति के पावर पर्व पर ये पतंग मेला आयोजित किए हैं, इसके बारे में क्या कहना? मेरा ये कहना है कि ये पतंग मेला या महोत्सव या प्रतियोगिता ये पहली बार नहीं हो रही है, लगातार 21वां साल है, ये 21 साल से हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, और इसको ये जो पतंग महोत्सव है या पतंग उड़ाने का काम है, ये आज से नहीं है, पूरे देश में पूरे सालों से चल रहा है, और सबसे ज़्यादा ये अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, बनारस, इंदौर, इन बड़े शहरों में ज़्यादा तेज इसका रुझान रहता है, तो उसी रुझान को देखते हुए रीवा में भी रुझान पैदा करने का ये प्रयास किया गया, और इसमें जाति वर्ग और इन सभी संप्रदायों को परे हटकर एकजुट होकर युवाओं के अंदर संस्कृति और संस्कार और धार्मिक चेतना पैदा करने के लिए हम ये पतंग प्रतियोगिता या मेला का आयोजन करते हैं, जिसमें कि सैकड़ों आज के युवा आते हैं जिन्हें कि अपने भारतीय संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको भी जानकारी हो जाती है। इसमें आपके समर्थक कौन कौन है? हमारी पूरी टीम है, हमारे अध्यक्ष हैं गुरवीर सिंह मंगू और सह आजीवन संरक्षक है सुनील अग्रवाल, युवा अध्यक्ष है सुमित माजवानी, महेश तारवानी जी और श्री प्रकाश तोमर,
सुरेश राय जी, सुरेश बिश्नोई, राम सखा यादव, बहुत सारे लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम नारायण डिगवानी है, मैं आजीवन संरक्षक संस्थापक हूँ। जी सर बताएं। सामने से हिंदू धर्म परिवार, हिंदू समिति हमेशा नगर में जो हमारे त्यौहार हैं उनको एक लोगों के बीच में जाकर प्रेरणा देती है। वैसे भी हमारा भारतवर्ष त्यौहारों का एक विशेष रूप से अनुयायी रहा है, और जो जीवन में ऐसी नीरसता आती है उसी की यह मकर संक्रांति पर्व एक उमंग उत्साह का पर्व है, जिसमें हम अपने जीवन में सभी लोगों को एक सामूहिक रूप से हिंदू उत्सव समिति जोड़कर आमंत्रित कर आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पतंग का यह उत्सव मनाकर लोगों के जीवन में एक उमंग और हर्ष का वातावरण पैदा करना चाह रही है। हम यह चाहते हैं कि पूरा शहर, पूरे शहर के नागरिक, सभी गणमान्य नागरिक ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़ कर आकर हिस्सा लें। बच्चों में तो आज उत्साह देखने को मिल रहा है, पर उनके साथ हमें जो पेरेंट्स हैं उनको भी साथ में रहना चाहिए, जिससे यह और हर्षोल्लास के साथ त्यौहार के रूप में हम अपने जीवन में आज जो उत्तरायण का पर्व हम मनाते हैं मकर संक्रांति, उसका आरंभ हो। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू उत्सव समिति, इसका मेन उद्देश्य क्या है? हिंदू उत्सव समिति हमेशा ही जो कि हमारे हिंदू त्यौहार हैं उनमें सभी को जोड़कर, और जो उनमें हम लोग आज मोबाइल और टीवी की दुनिया में ज़्यादा अपना समय दे रहे हैं, उसे निजी जीवन में एक प्रत्यक्ष रूप से सब मिलकर जब हम किसी सत्संग का आनंद लेते हैं, जब हम कोई अपने खेल कूद का आनंद लेते हैं, तो उसे अपने जीवन में एक ऊर्जा का संचार होता है और हम एक दूसरे से रूबरू परिचित होते हैं, जिससे एक वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से नितेश सिंह गहरवार की रिपोर्ट।